नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर श्वेता द्विवेदी डीएलएड के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम जिस बिंदु पर बात करने के लिए यहां पे हैं वह है पर्यावरण अध्ययन की आकलन युक्तियां। और इन आकलन युक्तियों में जिस युक्ति पर हम आज प्रकाश डालेंगे वह है अवलोकन तकनीक। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज के जो ये चर्चा है उससे कुछ मुख्य बिंदु हैं, पहले हम उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन तकनीक। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि अवलोकन तकनीक क्या है। उसके पश्चात जानेंगे कि अवलोकन कितने प्रकार के होते हैं। उसके पश्चात पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों का अवलोकन किस प्रकार से किया जा सकता है उस पर प्रकाश डालेंगे। कक्षा या विद्यालय में अवलोकन विधि का उपयोग किस प्रकार हम करते हैं उसकी बात करेंगे। और अंत में अवलोकन तकनीक की उपयोगिता और इसके साथ ही सीमाओं पर भी बात करेंगे। तो आइए हम पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन तकनीक से शुरू करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में आकलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण युक्ति है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उद्देश्य विभिन्न डोमेन्स में उच्चतम स्तर को प्राप्त करना है। यह ज्ञान का सृजन है। अगर हम इफेक्टिव में बात करें तो चरित्रगत या चारित्रीकरण पे आता है। और अगर हम साइकोमोटर में देखें तो यह प्राकृतिकरण या व्युत्पत्ति पर आता है। पर्यावरण अध्ययन का जो यह विषय है, अन्य विषयों की तरह इसका भी शैक्षिक जो उद्देश्य हैं यही हैं। इन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण अध्ययन में व्यवहार परिवर्तन के आकलन और मूल्यांकन अवलोकन तकनीक के द्वारा सर्वोत्तम तरीके से जाने जा सकते हैं, सर्वोत्तम तरीके से किए जा सकते हैं। क्योंकि विद्यार्थी समस्यात्मक स्थिति में ज्ञान का सृजन कर पा रहा है अथवा नहीं, नवीन ज्ञान जो विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किया गया है वह चरित्रगत हुआ है अथवा नहीं, या कौशल प्राप्ति के पश्चात उन कौशलों का प्राकृतिकरण हो पाया है अथवा नहीं, इन सभी का अवलोकन तकनीक के माध्यम से ही सबसे विश्वसनीय तरीके से आकलन किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं अवलोकन के अर्थ की। तो अवलोकन, जैसा कि हम अपने बोलचाल में प्रयोग में ले आते हैं कि अवलोकन का अर्थ जो है देखने से होता है, प्रेक्षण करने से होता है या निरीक्षण करने से होता है। कि हम किसी चीज़ को यदि प्रत्यक्षता देखते हैं, उसको निरीक्षित करते हैं, तो हम उसे अवलोकन का नाम देते हैं। अवलोकन की परिभाषा को यदि हम देखें तो हम अवलोकन को एक उस प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं जिसमें एक या अधिक व्यक्ति किसी वास्तविक जीवन की घटना को देखते हैं और संगत घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं। इसका प्रयोग नियंत्रित और अनियंत्रित स्थितियों में व्यक्तियों द्वारा प्रकट व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो अगर हम इस परिभाषा के आधार पर हम अवलोकन को देखें तो अवलोकन का संबंध कृत्रिम घटनाओं एवं व्यवहारों से न होकर स्वाभाविक रूप से, या जो घटनाएं हैं जो स्वतः विकसित होने वाली घटनाएं हैं उनसे संबंधित है। साथ ही उस समय में अवलोकनकर्ता की उपस्थिति वहां पे होना अनिवार्य है ताकि अवलोकनकर्ता उन घट रही घटनाओं को देख सके। साथ ही अवलोकन जो है उसको सोच समझकर या व्यवस्थित रूप में आयोजित किया जाता है। इस परिभाषा के आधार पर अगर हम अवलोकन तकनीक की विशेषता की बात करें तो अवलोकन तकनीक में प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता है, अवलोकन तकनीक के द्वारा कार्य कारण संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अवलोकन तकनीक में एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है और उद्देश्यपूर्ण एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं अवलोकन के प्रकार की। तो अवलोकन के नियंत्रण के आधार पर कि अवलोकन पे अवलोकनकर्ता का कितना नियंत्रण है, वातावरण पर कितना नियंत्रण है और उद्देश्यों को किस तरह से लिखा गया है, उसके आधार पे अवलोकन को
संरचित अवलोकन और असंरचित अवलोकन में बांटा जाता है। इसके पश्चात जो अवलोकन करता है उसकी भूमिका क्या है, उस भूमिका के आधार पर हम अवलोकन को तीन भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहला है सहभागी अवलोकन, दूसरा है असहभागी अवलोकन और तीसरा है अर्ध सहभागी अवलोकन। साथ ही यदि एक से अधिक अवलोकन करता है तो हम उस अवलोकन को सामूहिक अवलोकन का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों का अवलोकन किस प्रकार किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अवलोकन की एक योजना बनानी होगी कि हमें किस प्रकार का अवलोकन करना है, इसमें अध्यापक की भूमिका क्या होगी, इस पर अध्यापक का नियंत्रण किस प्रकार का होगा और हमें संपूर्ण सत्र के लिए विद्यार्थी का अवलोकन करना है या किसी एक पाठ विशेष से जो संबंधित उद्देश्य हैं उनके लिए विद्यार्थी का अवलोकन करना है, ये सारी चीज़ें हमें निर्धारित करनी होगी। उसके पश्चात अवलोकन का क्रियान्वयन किया जाएगा कि हम वास्तविक स्थितियाँ जो हैं वो विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित करें और बच्चे वहाँ पर उस व्यवहार का प्रदर्शन करें। इसके पश्चात शिक्षक के द्वारा उस व्यवहार को रिकॉर्ड किया जाएगा। कुछ परिस्थितियों में उस व्यवहार का, निश्चित व्यवहार को तुरंत रिकॉर्ड किया जाता है और कुछ परिस्थितियों में अलौकिक व्यवहार को बाद में भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसके हिसाब से हमें व्यवहार को रिकॉर्ड करना है और उसकी व्याख्या करनी है। तो इस तरह से हम पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में अवलोकन को कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि पर्यावरण अध्ययन में किन व्यवहारों को अवलोकन विधि के द्वारा मापा जा सकता है। तो इसमें पहला है कि विद्यार्थी की पर्यावरण के प्रति किस प्रकार की अभिवृत्ति या किस प्रकार की मनोवृत्ति है, इसका हम आकलन अवलोकन विधि के द्वारा, अवलोकन तकनीक के द्वारा कर सकते हैं। साथ ही पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में विद्यार्थी के क्या विचार हैं, विद्यार्थी के विचार कैसे हैं और उनका समझ का स्तर क्या है, इसका भी हम अवलोकन तकनीक के द्वारा आकलन कर सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन का एक उद्देश्य विविधता के प्रति सम्मान की भावना का विकास करना है। विद्यार्थी की विविधता के प्रति सम्मान की भावना के विकास का आकलन करना है तो अवलोकन तकनीक के माध्यम से यह देखी जा सकती है कि कक्षा के अन्य विद्यार्थियों तथा विविधता के प्रति विद्यार्थी की क्या मनोवृत्ति है या क्या अभिवृत्ति है, वो कैसा उनका एटीट्यूड है, किस प्रकार की मनोवृत्ति का प्रदर्शन अन्य विद्यार्थियों के लिए जो उनसे अलग हैं उनके लिए वो कक्षा कक्ष में कर रहे हैं और मात्र कक्षा कक्ष में ही नहीं बल्कि विद्यालय के वातावरण में भी वह किस प्रकार का अपनी मनोवृत्ति, किस प्रकार की मनोवृत्ति को दर्शा रहे हैं। हम पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थी की कार्य करने की प्रणाली का अध्ययन भी अवलोकन तकनीक के माध्यम से कर सकते हैं। बच्चे जो है वो पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से समस्या को समाधानित करना सीखते हैं, यह विषय का उद्देश्य है। तो हम अवलोकन तकनीक के माध्यम से यह देख सकते हैं कि विद्यार्थी में समस्या को समाधानित करने की योग्यता किस स्तर तक विकसित हुई है। साथ ही हम यह भी देख सकते हैं कि विद्यार्थी की एकल या समूह में कार्य कर सकने की योग्यता किस प्रकार से है। विद्यार्थी समूह में अच्छे से कार्य कर पा रहा है कि विद्यार्थी अकेले अच्छी तरह से कार्य कर पा रहा है, साथ ही दूसरे विद्यार्थियों के साथ वह कितना सामंजस्य स्थापित कर पा रहा है। अब हम एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि हम कक्षा में अवलोकन विधि का उपयोग पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में किस प्रकार कर सकते हैं। हम कक्षा में विचार विमर्श के लिए एक प्रकरण दे सकते हैं और फिर पूरी कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार को आकलन पुस्तिका में लिख सकते हैं कि कौन सा विद्यार्थी जो है इसमें भाग ले रहा है और कौन सा विद्यार्थी जो है इसमें भाग नहीं ले रहा है।
हमारा जो पर्यावरण अध्ययन है उसका उद्देश्य है कि हम दूसरे के विचारों को सम्मान का भाव दें, हम विविधता के प्रति सम्मान की भावना दर्शाएं। तो हम यह भी देख सकते हैं कि कौन सा विद्यार्थी अपने से भिन्न विचार को सम्मान दे रहा है और कौन सा विद्यार्थी तर्क और साक्ष्य को स्वीकार कर रहा है जो उसके अपने विचारों से अलग हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक लैंगिक संवेदनशीलता का एक विषय जो है पाठ है, तो हम उस पाठ को दे सकते हैं विचार विमर्श के लिए और विद्यार्थी के व्यवहार को यहाँ पे नोट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं इन श्रेणियों में। आइए अब देखते हैं कि अवलोकन तकनीक के लिए कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग हम अपनी कक्षा में कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अवलोकन निर्देशिका का प्रयोग कर सकते हैं। अवलोकन निर्देशिका के द्वारा वर्ष भर विद्यार्थी का आकलन और मूल्यांकन किया जा सकता है और यह एक संरचित अवलोकन होता है। इसमें विद्यार्थी के अधिगम और अधिगम के फलस्वरूप हुए व्यवहार परिवर्तन को विस्तारपूर्वक रिकॉर्ड किया जा सकता है और इसके साथ ही मात्र वर्ष भर के लिए नहीं बल्कि किसी विशेष पाठ के लिए भी और उस पाठ से संबंधित व्यवहार परिवर्तन के लिए भी अवलोकन निर्देशिका को प्रयोग में लाया जा सकता है। जो दूसरा इसके लिए उपकरण है वह रेटिंग स्केल है कि हम कक्षा में रेटिंग स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। और जो रेटिंग स्केल है यह मुख्य रूप से अभिवृत्ति को मापने के लिए ही प्रयोग में लाई जाती है। रेटिंग स्केल के द्वारा किसी घटना, किसी विशेषता या किसी सूचना के स्तर या सीमा या डिग्री को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि विशिष्ट व्यवहार किस डिग्री तक विद्यार्थी में उपस्थित है। पैमाना या मापनी पर गुणवत्ता या मात्रा में इसे व्यक्त किया जाता है। अवलोकनकर्ता, और अगर हम कक्षा की बात करें तो वहाँ पर अध्यापक होता है अवलोकनकर्ता, तो अध्यापक उस सीमा तक उस व्यवहार को पैमाने पर माप सकता है जिस सीमा तक वह निश्चित व्यवहार विद्यार्थी में मौजूद है। तो रेटिंग स्केल के निर्माण के लिए हमें सबसे पहले मापन हेतु उद्देश्यों का चयन करना होगा कि हम किन उद्देश्यों के तहत रेटिंग स्केल का निर्माण कर रहे हैं। उसके पश्चात उद्देश्यों के आधार पर हमें कथनों का निर्माण करना होगा और फिर उन कथनों पर अभिवृत्ति को मापने के लिए स्केल या पैमाना का निर्माण करना होगा। यह हमारे अध्ययन के हिसाब से हमें उस स्केल का निर्धारण करना होगा, उस स्केल को बनाना होगा। हमें देखना होगा कि हमें 3-पॉइंट स्केल चाहिए, 5-पॉइंट चाहिए, 7-पॉइंट चाहिए या 11-पॉइंट चाहिए। तो अध्यापक अपनी आवश्यकता के आधार पर, अपने उद्देश्यों के आधार पर इस स्केल का जो है उसका निर्माण कर सकते हैं। अवलोकन तकनीक में जो एक और उपकरण है वह है श्रव्य तथा दृश्य रिकॉर्डिंग। श्रव्य और दृश्य रिकॉर्डिंग से हम सभी परिचित हैं और इसके माध्यम से शाब्दिक तथा अशाब्दिक संप्रेषण को रिकॉर्ड किया जा सकता है। श्रव्य तथा दृश्य रिकॉर्डिंग तकनीक के दौरान अध्यापक स्वतंत्र होता है और आंकड़ों को तुरंत रिकॉर्ड करने की अनिवार्यता अध्यापक के समक्ष नहीं होती है। जब अवलोकन का प्रयोग शीघ्रता से और जटिल परिस्थितियों में करना हो तो ऐसे में यह बहुत ही सहायक है। जब भी किसी व्यवहार या घटना का सूक्ष्मता से अध्ययन करना हो तो श्रव्य तथा दृश्य रिकॉर्डिंग को प्रयुक्त किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी व्यवहार को इन टेप्स को पुनः चलाकर या फिर उन्हें धीमी गति जो कि स्लो मोशन में चलाकर हम देख सकते हैं। और इसके साथ ही श्रव्य तथा दृश्य रिकॉर्डिंग में जो आंकड़े हम संग्रहित करते हैं वह निष्पक्ष होते हैं और वह दोष रहित बने रहते हैं। अब हम जानते हैं कि अवलोकन तकनीक की उपयोगिता क्या है। तो यह एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है, एक सरल तकनीक है और इसके लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह बहुत ही स्वाभाविक पद्धति है क्योंकि मानव जो है स्वभाव से ही अवलोकन करता आया है। प्रारंभ से ही हम अवलोकन करते रहें और हम अपने दिनानुदिन में भी, दैनिक जीवन में भी अवलोकन करते रहते हैं। साथ ही ये वैश्विकता की इसमें बनी रहती है क्योंकि अवलोकनकर्ता जो है घटनाओं को अपनी आँखों से देखता है और उनको आँखों से देखने के बाद
उनका हूबहू विवरण प्रस्तुत करता है। यह विश्वसनीयता भी इसमें होती है क्योंकि अध्ययन जो है वह निष्पक्ष रहता है, इस पर अवलोकनकर्ता अपना प्रभाव नहीं डालता है। इसके अलावा अवलोकन तकनीक के द्वारा सामूहिक व्यवहार का अध्ययन भी किया जा सकता है कि यदि विद्यार्थी समूह में उनको कार्य करना हो तो किस प्रकार से उनका व्यवहार होगा। साथ ही समूह के रूप में भी अध्ययन किया जाता है जहाँ पे अवलोकनकर्ता एक से अधिक होते हैं। इसके अलावा इसमें सत्यापनशीलता होती है, यानी कि जो भी हम आंकड़े एकत्रित किए हैं, जो भी संकलित सूचनाएं हैं, अगर उस पर कोई भी संशय है तो हम पुनः परीक्षण कर सकते हैं। यह निष्पक्ष होते हैं, इससे जो आंकड़े इकट्ठा होते हैं अवलोकन तकनीक के द्वारा उनमें निष्पक्षता होती है। अपनी सरलता, सार्थकता एवं वस्तुनिष्ठता के कारण अवलोकन जो है वह सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति है। अब हम बात करते हैं इसकी सीमाओं पर। तो अवलोकन पद्धति की जो पहली सीमा है कि हम सभी प्रकार के व्यवहार का अध्ययन अवलोकन पद्धति के माध्यम से, अवलोकन तकनीक के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे व्यवहार हैं जिसे व्यक्ति प्रदर्शित नहीं करता है, हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। दूसरा है कि कई बार जब हमें पता होता है कि हमारे व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है तो हमारा व्यवहार कृत्रिम हो जाता है, तो व्यवहार में कृत्रिमता भी इसकी एक सीमा है। साथ ही कई बार जब अवलोकनकर्ता सहभागी अवलोकन के लिए जाता है तो वह पक्षपात कर देता है। अगली जो इसकी सीमा है कि यदि ज्ञानेंद्रियों में दोष हो, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां जो हैं इसमें मुख्य भूमिका निभाती हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं, तो यदि हम उस पर मनन करते हैं कि हाँ अगर कोई व्यवहार है तो इस कंडीशन में, सिचुएशन में, इस परिस्थिति में क्यों दिखाया गया है, तो उस स्थिति में यदि ज्ञानेंद्रियों में ही दोष हो तो अवलोकन पद्धति से, अवलोकन तकनीक से जो हम डेटा लेते हैं, जो हम आंकड़े लेते हैं, वह दोषपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही यह इसमें सीमितता भी है। तो शिक्षार्थियों, आज हमने आकलन में अवलोकन पद्धति पर बात की कि पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन पद्धति का, अवलोकन तकनीक का इस्तेमाल, प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। इस क्रम में हमने अवलोकन की परिभाषा पर बात की, अवलोकन की विशेषताओं पर बात की, अवलोकन के प्रकार की बात की। कक्षा में पर्यावरण अध्ययन में किन किन व्यवहारों के मापन के लिए अवलोकन का प्रयोग हो सकता है, हमने उसकी बात की। हमने यह भी बात की कि कौन कौन से उपकरण अवलोकन में प्रयुक्त किए जा सकते हैं और अवलोकन की क्या उपयोगिता है और अवलोकन तकनीक की क्या सीमाएं हैं। एक नए बिंदु के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।